हेलो डियर गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशि रंजन सर। हम लोग पढ़ रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अच्छा, ये हाइट एंड डिस्टेंस की हमारी क्लासेस लगभग 3 आपकी लेक्चर्स हो चुकी है, जिसमें हमने क्या किया है, स्पेशली आपको ये गाइड करने की कोशिश किया है कि आखिर कैसे हम लोग इसके क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया कि एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स है जो हमें इस चैप्टर में यूज होने हैं। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने क्या बताया कि आखिर इसमें फिगर को ड्रॉ कैसे करेंगे और उसके इंफॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है। और अच्छा, उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कैसे उसके लैंग्वेज को लिखेंगे। और अब इसी कड़ी में ये आज वाली लेक्चर है, इसमें हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिर इसके क्वेश्चंस के अप्रोच क्या है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम क्या करते हैं ना कि उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपको मैंने इसे पहले वाले लेक्चर में आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस को मैंने कराया है, तो अब हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को शुरू करने वाले। लेकिन ये जान लो, ये अच्छे बच्चे करेंगे, ठीक है। यानी कि वैसे स्टूडेंट्स जिसको स्टैंडर्ड जिन्होंने लिया है, लेकिन बेसिक वालों को भी ये सारे अप्रोच करनी चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन में ना जाने कैसे क्वेश्चंस को दे दिया जाए। तो आप यहाँ पे खूब मेहनत करो, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में देखो यार, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बस कुछ ही चीज़ों पे, जैसे एलिवेशन और डिप्रेशन पे सारी की सारी क्वेश्चंस आपकी मूव करती है। अगर आपने एलिवेशन डिप्रेशन समझ लिया और थोड़ा सा ज्ञान है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का, तब तो तुम इसमें हर एक क्वेश्चंस को कर ही लोगे आसानी से। तो चलो अब हम लोग आगे की प्रैक्टिस करते हैं, और ये प्रैक्टिस बहुत काम का होने वाला है, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि इसी में से कोई क्वेश्चंस आ जाए, या एग्जैक्ट ये क्वेश्चन ना आए। लेकिन जान लो एक बात, ध्यान रखना कि मैं जो भी प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, ठीक है, उस क्वेश्चन एग्जैक्ट अगर नहीं आया तो उसका सगा भाई बहन जरूर रहेगा आपके एग्जामिनेशन में। मतलब समझ रहा हो ना कि लगभग लगभग वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे। अब तुम्हें प्रैक्टिस करा दिया मैंने, तुम क्या करो कि अब आपकी जो हेल्प बुक है उससे क्वेश्चंस को बनाओ, या फिर आप एनसीईआरटीज के क्वेश्चंस को बनाओ। अरे तुम्हें क्या चाहिए हमसे, बस थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए। मैं तुम्हें बता दूंगा कि ऐसे ऐसे करो बेटा, और तुम फटाफट से सारे क्वेश्चंस को बनाना शुरू करो। आपके एग्जामिनेशन में जाकर करके मैं तो बैठ करके लिख करके नहीं आने वाला, वो तो करना है तुम्हें, तुम्हें जाकर के वहां एग्जाम देना है। तो करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि तुम्हें थोड़ा सा गाइडलाइन ले कर करके और बाकी क्वेश्चन पे क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को फोड़ना शुरू कर दो। क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चन पे वर्क नहीं करोगे, तो तुम्हें फिर वो चीजें कैसे अंदर से डेवलप होंगी जिसमें तुम क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। तो अंदर से आपको अपने माइंड को बहुत प्रिपेयर करना है क्वेश्चंस को करने के लिए, और वो उसमें मदद होंगे। तो कैसे, तो हम जो यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसमें आपको एक ही क्वेश्चंस को ध्यान दे करके देखना है कि सर कैसे कैसे हमें बता रहे हैं, ठीक है, विदाउट स्किप किए हुए। ऐसा नहीं कि आप चलो स्किप कर दिए फिर आगे बढ़ गए, एक एक चीज़ों को देखना। क्यों, क्योंकि हमारी आदत ही है, अब वो बुरी आदत या सही आदत, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर करते हुए मैं चलता हूँ। तो सबसे पहले आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। हाँ, तो चलो यहाँ पे ध्यान देना, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। क्यों, क्योंकि मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में 4 क्वेश्चंस को कराया हुआ है प्रैक्टिस, तो ये 5th नंबर आपका क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस, यानी कि 75 मीटर ऊंचा, ये मान लो कि ये 75 मीटर हाइट है इसकी, तो 75 मीटर हाइट लाइट के ऊपर से एक मैन जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम सी लेवल। बेटा ये आपका सी लेवल है, मान लेते हैं कि ये सी लेवल हो गया। तो वो कह रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक शिप का डिप्रेशन 30 डिग्री है और दूसरे का डिप्रेशन 45 डिग्री। यहाँ पे देखो डिप्रेशन यूज किया है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक जो शिप है ना वो दूसरे के बिहाइंड है, एक आगे है तो दूसरा उसके पीछे है, ऑन द सेम साइड, उस पोल के सेम साइड ही, एक ही तरफ। ऐसा नहीं कि एक इधर हो गया और दूसरा उधर हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ पे कोई शिप है, और जो दूसरी शिप है वो यहाँ पे सपोज मैंने कर लिया है कि यहाँ पे दूसरी शिप है।
अब यहां से एक मैन ऑब्जर्व कर रहा है टॉप पर से, तो बेटा डिप्रेशन बना है, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहां पे कितनी कितनी बनी है, तो 30 और 45, ये छोटा वाला एंगल बेटा 30 डिग्री हो गया और ये जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना हो गया, तो 45 डिग्री हो गया। अब तुम्हें एक बात ये पता है कि यहां 30 डिग्री है तो ये वाले इसके लाइन के हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, तो 30 डिग्री है तो यहां पर भी 30 डिग्री बनेगा। अरे क्यों बनेगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से ये बेटा इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा और ये पूरा का पूरा 45 है, तो ठीक हम यहां पर भी क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे। यहां पे आपका 90 डिग्री बनेगा। एग्जैक्टली आपको जो चीजें निकालनी है, टू शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। मान लिया कि हमने ये एक्स है बेटा, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला काम तो फिगर बनाने का कर लिए विद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के साथ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेमिंग कर देंगे। लेट ए बी को हमने मान लेंगे कि ये टावर है और यहाँ पे सी और डी जो है ना वो दो ऐसा पोजीशन है जहाँ पे सी लेवल में शिप है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमें लैंग्वेज लिखना है। तो लैंग्वेज लिखने का क्या तरीका है, कुछ नहीं, जो चीज आपने यहां पे किया है ना उन सारी चीजों को अपनी भाषा में यहां पर लिख देना है। तो चलो हम सॉल्यूशन करते हैं, और इस सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने ए बी को यहाँ पे टॉप है, किसकी टॉप है, तो लाइट हाउस को। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी बी द लाइट हाउस, ठीक है, ए बी जो है वो लाइट हाउस है बेटा, और आपको यहाँ पे डी और सी जो है ना वो पोजीशन ऑफ शिप है, एंड डी एंड सी आर पोजीशन ऑफ शिप, पोजीशन ऑफ शिप्स, ठीक है, ये शिप्स की बेटा पोजीशन हो गई। अब आपको यहाँ पर तो लैंग्वेज लिख दी, तो कुछ इंफॉर्मेशन वैल्यूज दी हुई है उसको भी लिख दो। देन आप यहाँ पे क्या कहोगे, ये कहने वाले हो कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है, और दूसरा क्या कहोगे, ए डी बी, एंगल ए डी बी कितनी है, तो यहाँ पे 30 डिग्री है। तो आपने ये लिख लिया, एंगल ए को भी लिख दो, एंगल ए इज इक्वल्स टू 45 नहीं बेटा 90 डिग्री है, ये कब से 45 होने लगा, हाँ ये 90 डिग्री है। अब क्या है ना कि ए बी कितनी है, तो ए बी 75 मीटर है, तो ए बी हम लिख देंगे 75 मीटर। अब आपने क्या किया ना कि पूरे लैंग्वेज फिगर बना लिया, इंफॉर्मेशन लिख लिया, लैंग्वेज लिख लिया, अब आपको सॉल्यूशन करना है, ये तो सबसे आसान काम होता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल ट्रायंगल दिख रहा है, तो दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, तो उन चीजों को देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल ऑलवेज जो है ना आपको क्या करना है कि छोटे वाले ट्रायंगल से शुरुआत करनी है। तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, एबीसी, तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल लिख लो बेहतर होगा, फ्रॉम राइट ट्रायंगल एबीसी। अब इस राइट ट्रायंगल एबीसी में ये 45, आपको 45 के लिए ये आपके परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस, पी बाई बी क्या लगेगा, टेन लगेगा, तो 45 का टेन लगा देना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेन 45 डिग्री पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर तो बेटा ए बी है और बेस आपका कितना है, तो बेस ए सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 45 की जगह 1 लिखोगे, तो 1 की जगह हो जाएगा ए बी, ए बी की वैल्यू दी हुई है, यस 75, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 75 और डिवाइड में ए सी लिख लेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ए सी आएगा, तो 75 मीटर आ गया। अच्छा तुम्हें ये बात तो पता चल गया कि यहाँ पे जो ए सी है ना वो यहाँ पे 75 मीटर है दिया हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम राइट ट्रायंगल, बेहतर तो यही है, राइट ट्रायंगल ए बी डी, बेटा यहाँ ए बी डी ढूंढो ढूंढो कहाँ पे है ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में अब 30 के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, फिर आपको परपेंडिकुलर बेस का टैन लगाना है, कॉट भी लगा सकते हो, टैन भी लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ हम टैन लगा लेते हैं, तो टैन 30 लिखेंगे। तो जैसे ही टेन 30 यहाँ पे करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और बाई में बेस कितना हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा 75 प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे 75 प्लस एक्स लिख लेंगे। और टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3 होती है, तो 1/√3 क्या हो गया, ए बी, ए बी की जगह 75 कर लो और डिवाइड में क्या कर लो, 75 और प्लस में एक्स कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो बस केवल और केवल क्या निकालनी है, एक्स निकालनी है, जो बिल्कुल निकल जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं,
यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 75 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 75 रूट 3 आने को है। तो अब आप x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू 75 रूट 3 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे किसको, तो 75 को। तो फाइनली आपको क्या वैल्यू आने वाला है, यहाँ पे देखो अब आगे कैसे सॉल्व करना है कि दोनों में 75 कॉमन है तो 75 आपको निकाल लेना है कॉमन और हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, यही हो जाएगा इतना मीटर आपका आंसर। अब क्या है ना कि अगर वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि रूट 3 का वैल्यू 1.732 रखना है तो आप रख कर करके फिर आगे सॉल्व कर लेंगे, वरना आप इसको यहाँ तक भी छोड़ देंगे पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ लिखना ना छोड़ना, क्या लिखना ना छोड़ना, तो हेंस हाइट ऑफ सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर इतना, ये आपको लिखना पड़ेगा। हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है, यहाँ पे टू शिप्स इज इक्वल्स टू ये वाली जो चीज़ें हैं वो आप लिख दोगे। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम चलते एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन थे लेकिन अब थोड़े से लेवल इंक्रीज कर रहा है, जहाँ पे कुछ आपको कम वैल्यू दी होगी और कुछ अलग अलग चीज़ों को पूछ रखा होगा। तो चलो अब हम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो और ध्यान से पढ़ करके पहले खुद से फिगर बनाओ और फिगर बना करके तब मैं बना रहा हूँ तो जाकर के उसे चेक करो कि क्या मैंने सही बनाया और इन्फॉर्मेशन सही लिखा है। चलो यहाँ देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। सपोज दैट कि मान लो कि ये प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होगा। अब यहाँ से जो एंगल बनी वो कितनी डिग्री बनी, तो वो 60 डिग्री की बनी। आगे कह रहा है आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड का वो फ्लाइट किया है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, तब जाकर के जो एलिवेशन हुआ वो आपका चेंज हो गया है 30 डिग्री पे। अच्छा एक बात तुम्हें पता है, पहले तो फ्लाइट ऐसे कर करके फ्लाइट होती है, ठीक है, उसके बाद वो क्या होती है ना हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट हो जाती है, यानी कांस्टेंट हाइट पे आगे बढ़ती है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, वो कांस्टेंट हाइट पे आगे बढ़ रही है तो 15 सेकेंड की फ्लाइट करती है। सपोज दैट कि ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बेटा उसको ट्रैवल करने में उसको 15 सेकेंड लगा है, तो अब क्या है ना कि 15 सेकेंड पे उसकी ग्राउंड से ये हाइट होगी और जो शुरुआत में थी वो ये हाइट होगी और दोनों हाइट जो है वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है। और कितना होने वाला है, तो 1500 रूट 3 मीटर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, तो हमें प्लेन की स्पीड निकालनी है वो भी किलोमीटर पर आवर में। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये 1500 रूट 3 मीटर है बेटा, ठीक है, तो ये भी हाइट तो 1500 रूट 3 मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि दोनों हाइट सेम है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी कह रहा है कि फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, दोनों हाइट सेम है। लेकिन एक बात यहाँ पे देख लो, अभी तो एलिवेशन 60 का बन रहा था लेकिन 15 सेकेंड के बाद जो एलिवेशन है वो बेटा कितने का होने लगा, तो वो 30 डिग्री का होने लगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 30 डिग्री बना लेंगे। अब इतने से इन्फॉर्मेशन के बाद तुम्हें फाइनली क्या करना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ए प्लेन निकालनी है। तो तुम्हें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम तुम कर लोगे तो फाइनली तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो तुम्हें स्पीड निकालनी है तो स्पीड बराबर तुम डिस्टेंस बाय टाइम करने वाले हो, तो अब तुम्हें डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, इतनी दूर का तुम्हें टाइम पता है तो इतनी दूर की तुम्हें डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेंस पता हो गया ना तो क्या करोगे, उसकी टाइम भी पता है तो डिस्टेंस बाई टाइम कर लोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें सबसे बड़ा टारगेट ये है कि इसकी डिस्टेंस निकालना, मतलब कि इसकी डिस्टेंस को मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ये रहा बेटा ए बी और ये रहा आपका सी डी और ये हो गया पॉइंट ए, ठीक है, जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है एलिवेशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि एग्जैक्टली यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी आपका 90 डिग्री बन रहा है। ये सब हम क्या कर रहे हैं, फिगर में इंफॉर्मेशन को पुट कर रहे हैं और उसके बाद में अब हम क्या करते हैं कि फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। हमें फाइनली एसी चाहिए तो हम एसी को एक्स मान लेंगे, ठीक है, यहाँ हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये जो एक्स डिस्टेंस है अगर वो पता चल गया तो x डिस्टेंस का मेरे को टाइम पता है, डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे स्पीड आ जाएगा। तो चलो हम लोग वही कोशिश करते हैं, फाइनली आपको ये पता होना चाहिए
कि इस तरीके के क्वेश्चन में जहां डबल डबल राइट ट्रायंगल बन रहे हो, दोनों राइट ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, हम कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे होंगे क्वेश्चन को और आंसर की तरफ बढ़ रहे होंगे। चलो सबसे पहले छोटा में हम लोग लगाते हैं, तो ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है, तो उससे पहले हमें तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज लिख देते हैं। देखो अगर तुम्हें नहीं आता है ना, तो धीरे धीरे आप क्या करो ना कि आप एग्जाम्पल्स को देखो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को देखो, उसमें कैसे लैंग्वेज लिखा हुआ है। आपके पास अगर कोई हेल्प बुक है, आर एस अग्रवाल है, आई डी शर्मा, ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई एक बुक होगी ही, उसके एग्जाम्पल्स को देखो कैसे उसमें लैंग्वेज लिखा हुआ है, वहां से तुम्हें आइडिया मिलेगी। और जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसमें भी तो बहुत सारे लैंग्वेजेस की मैं आइडिया दे रहा हूं, तो यहां से भी तुम्हें पता चल जाए अरे भाई कुछ नहीं है, जो जो आपने वहां पर लिखा है ना, उन सारी चीजों को यहां पर आपको अपने भाषा में लिख देना है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि डी एंड बी आर द पोजिशन ऑफ प्लेन, ठीक है, डी एंड बी आर द पोजिशन ऑफ प्लेन, ये प्लेन की पोजिशन है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ई इज द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ई इज द यहां पे बेटा लेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हो। ई इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर, बेटा ये ऑब्जर्वर का पोजिशन कौन है, तो ई पोजिशन है ऑब्जर्वर का, ठीक है। हाइट क्या है, सी डी एंड ए बी इज द हाइट ऑफ प्लेन, सी डी एंड ए बी इज द हाइट ऑफ प्लेन, ये प्लेन की हाइट है। अच्छा यहाँ पे और भी कुछ वैल्यू है, उन वैल्यू को आप लिख दो। क्या लिख दोगे कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी कितनी है बेटा, तो 1500√3 meter, ठीक है, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो सी ई बी, एंगल सी ई बी कितनी है, तो 30 degree है। उसके बाद आप आगे बढ़ो तो और क्या है, एंगल सी ई डी 60 degree है, एंगल सी ई डी यहाँ पे 60 degree लिख लोगे, एंगल सी एंड एंगल ए 90 degree है, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए यहाँ पे 90 degree लिख दोगे, ठीक है। और आपने क्या किया है कि ए सी को एक्स मान लिया है, तो लेट ए सी इज इक्वल्स टू एक्स। फाइनली हम लोग लैंग्वेज लिख चुके हैं, अब हमें सॉल्यूशन की बारी है, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमने आपको एक बात बताया है कि आप सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को उठाओगे, तो फ्रॉम ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, फ्रॉम राइट ट्रायंगल ये कौन सा है, तो सी डी ई, तो सी डी ई। अब सी डी ई में क्या देख रहे हो कि आपको यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, प्लस ये एक हाइट दिया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक एंगल और एक साइड दिया रहे तो हम दूसरा साइड निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमें सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस 60 के लिए, तो यहाँ पे 1060 लगा दो। तो जब आप 1060 करोगे पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर क्या है, सी डी है, और बेस क्या है बेटा यहाँ पे, तो बेस है ई सी, तो यहाँ पे ई सी लिख लेंगे। 1060 की वैल्यू होती है रूट थ्री, इज इक्वल्स टू सी डी की वैल्यू क्या है, तो 1500√3, और बाई में क्या होगा, ई सी हो जाएगा। देखो रूट थ्री से रूट थ्री ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाता है, अब ई सी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ई सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1500 meter। यहाँ पे तुम्हें ई सी की वैल्यू निकल करके आ गई है 1500 meter, बेटा ये वाली वैल्यू आपको निकल करके आ चुका है। अब जब ये वैल्यू आपने छोटे ट्रायंगल से निकाल लिया, तो अब आप क्या करो कि बड़े वाले ट्रायंगल का यूज कर करके पूरी वैल्यू निकाल लो, और उसमें से 1500 को माइनस कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अरे मैंने क्या कहा कि आप पूरी ए ई निकाल लो, पूरी डिस्टेंस, और आप क्या करो ई सी निकाल चुके हो, तो पूरी डिस्टेंस में इतनी सी डिस्टेंस को काट के हटा दोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि केवल और केवल ए सी बचेगा, और तुम्हें ए सी ही तो चाहिए फाइनली। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब बड़े से राइट एंगल ट्रायंगल को फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल, ठीक है, अरे दिखाई इंक दिखाई दे रहा है, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो फिर मैं इसमें इंक डाल लूंगा। फ्रॉम राइट ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, तो ए ई बी। अब इस वाले राइट ट्रायंगल में हमें ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस और परपेंडिकुलर के लिए 10 लगाएंगे, और उस वाले राइट एंगल का
जो यहाँ पे एंगल है वो है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे tan 30 लगाएंगे, तो tan 30 डिग्री P बाई बी, P तो है बेटा AB और बेस यहाँ पे क्या हो गया तो x प्लस 1500। अब फाइनली आप क्या करो, अच्छा देखो आप पूरी डिस्टेंस ना निकाल करके आप यहाँ x प्लस 1500 कर दोगे तो एग्जैक्टली अब यहाँ आपको डायरेक्टली x निकल जाएगा, अब पूरा डिस्टेंस आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, tan 30 की जगह हम लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी, ए बी की जगह हम क्या वैल्यू लिखेंगे 1500√3 और डिवाइड में यहाँ पे लिखने वाले हैं x प्लस 1500। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो जब 1500 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 1 से कर लो तो हो जाएगा x प्लस 1500 और जब आप 3 से √3 से मल्टीप्लाई करोगे √3 में तो 3 हो जाएगा तो 1500 3 = 4500 हो जाएगा, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या करते हैं 1500 उधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा बेटा तो यहाँ पे 3000 आएगा, तो यार 3000 मीटर यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकल के आ चुका है, किसके डिस्टेंस तो एसी की डिस्टेंस 3000 मीटर। अब आपको एसी का डिस्टेंस पता है, एसी में लगने वाला समय पता है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप पे उसकी स्पीड निकाल सकते हो, तो स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है बेटा तो 3000 मीटर है मीटर, और बाई में टाइम कितनी है तो टाइम लगने वाला यहाँ पे 15 सेकेंड है तो यहाँ पे आप 15 सेकेंड लिखोगे। बट एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा, बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, कोई नहीं पहले सॉल्व कर लो। 15 यहाँ पे 2 = 30 हो गए, यानी कि क्या आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि 200 में अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आ जाता है। कितने से मल्टीप्लाई करना है 18/5, 5 से आप यहाँ पे 4 टाइम्स में कर दिए, इसका मतलब कि हो गया 720 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो प्लेन क्या कर रहा होगा, फ्लाई कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होगी कि सर 8/5 से ही क्यों मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे ये शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, वैसे यहाँ पे सीख लो। जैसे कि ये 200 था तो यहाँ पे 200 मीटर था और नीचे क्या था बेटा आपका सेकेंड था, आपको क्या करना है ना मीटर को किलोमीटर में करना है, तो मीटर को किलोमीटर में करने के लिए आपको यहाँ पे डिवाइड देना पड़ेगा, किससे डिवाइड देना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। अच्छा यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है तो सेकेंड को करना है आवर में, तो अगर आप 60 से डिवाइड दोगे तो वो मिनट में बदलेगा, फिर और आप 60 से डिवाइड दोगे तो वो क्या चीज में बदल जाएगा तो वो बदलेगा आपका आवर में बदल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो कि यहाँ नीचे ना डिवाइड दे कर करके ऊपर डिवाइड दे लो, 60 × 60 कर लो एग्जैक्टली। अब ये मीटर के जगह ये किलोमीटर बन जाएगा और ये आवर बन जाएगा। अब यहाँ 1 2 से 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल हो गया आपका, और जैसे ही ये कैंसिल हो गया तो अब यहाँ पे आपको जो आंसर आने वाला है वो कितने आने वाला है 720 आने वाला है, 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बातें आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे आप सॉल्व भी कर लोगे ना, तो सॉल्व करोगे तो फाइनली देखोगे कि 18/5 ही आएगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है कि 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर लो मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर में। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मीटर पर सेकेंड को अगर मुझे बदलना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में, तो आप इसका उल्टा 5/18 से बेटा मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, वो आपका डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है और हो भी सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और इसी पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी में और अदर अदर पब्लिकेशंस के बुक में क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आपने एक बार समझ लिया तो आप जरूर कर लेंगे। तो ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 6। अब हम अगले क्वेश्चन पे जो इससे भी और अच्छा है वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं और वो होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो पहले हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं।
तो चलिए ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और सबसे पहला काम क्या करेंगे, फिगर बनाने का और इन्फॉर्मेशन लिखने का, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे लैंग्वेज लिख कर करके इसको सॉल्व कर डालेंगे। तो कह रहा है कि ए मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द शोर ऑफ द पॉइंट इमिडिएटली बीनिथ द ऑब्जर्वर, ठीक है, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहां तक की बातों से ये समझ में आया कि एक मैन है जो क्लिफ पे, ठीक है, चढ़ा हुआ है यानी कि पहाड़ों की चोटी पे, और ऑब्जर्व कर रहा है कि बोट जो है ना उसके तरफ आ रही है और किस एंगल ऑफ एलिवेशन से आ रही है, एलिवेशन या डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन वहां पे 30 डिग्री की बना रही है। तो मान लेते हैं कि ये बेटा आपका क्लिफ हो गया, हम थोड़ा सा इधर करके बनाते हैं क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजों को सॉल्व करनी है। ये हो गया आपका क्लिफ और इस क्लिफ पे यहां पे मैन का पोजीशन है और वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि एक बोट है और बोट जो है ना वो उसके तरफ आ रहा है, बट वो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपको हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, कितने डिग्री का डिप्रेशन बन रहा है, तो 30 डिग्री का डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, किधर, तो आपके उसके क्लिफ के तरफ। 6 मिनट के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 मिनट जैसे ही गुजरता है पोल क्लिफ के तरफ ये बोट आगे बढ़ता है और वहां पे देखा जाता है कि अब जो डिप्रेशन 30 का हो रहा था अब वो डिप्रेशन कितने का बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है। तो 6 मिनट गुजरा, ये बोट 6 मिनट में यहां से आ गया, तो अब जो डिप्रेशन यहां पे बन रहा है वो बेटा 60 डिग्री का बन रहा है। ऑब्वियसली बात है कि ये बड़ा एंगल है तो आपके डिप्रेशन बड़ा होगा ही होगा। अब हम क्या करते हैं ना कि इसको यहां पे ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये जो पूरी की पूरी है वो आपके ये हॉरिजॉन्टल लेवल में हो गया। अब इसी में बोट बेटा आपका चल रहा है, ये सी लेवल मान लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा और 90 डिग्री का बनने के बाद ये जो आपका ट्रायंगल बना, जब यहाँ पे 60 है तो इसी से आगे बढ़ो तो यहाँ भी 60 हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 30 है तो बेटा ये भी 30 डिग्री हो जाएगा बिकॉज दिस एंड दिस आर पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे आपने 90 डिग्री बना लिया, अब कुछ नेमिंग कर दो, यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, यहाँ सी लिख लो, यहाँ डी लिख लो। अब इतना करने के बाद में आप क्या करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। अब आपको फाइनली करना क्या है, निकालना क्या है, ये चीज पहले देख लो ना। फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर, तो यहां पे आपको टाइम बताना है कि आखिर उस तक पहुंचने के लिए, शोर मतलब किनारा, ठीक है, यहां किनारा तक पहुंचने के लिए उसको कितने टाइम लगेंगे। तो एक तो बात यहां तक तय हो गई कि यहां तक आने में उसको बेटा 6 सेकंड का समय लगा क्योंकि 6 सेकंड जैसे ही यहां पे गुजरा था तो 6 सेकंड के बाद एलिवेशन नहीं डिप्रेशन 60 डिग्री हुआ था, तो 6 सेकंड लगे। अब यहां से यहां तक की टाइम निकाल लो और उसको ऐड कर दो तो तुम्हें पूरा टाइम पता चल जाएगा कि उसको शोर तक कितने वक्त लगे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं बेटा एच, कि ये जो क्लिफ की हाइट है एच है और इसको मैंने मान लिया यहां पे सपोज दैट कि ये एक्स हो गया और इसको हम लोग मान लेते हैं कि वाई डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा डिस्टेंस बेटा वाई हो गया और ये वाला जो डिस्टेंस है वो हम यहीं पे लिख लेते हैं, ये एक्स डिस्टेंस हम इसको सपोज करके चल रहे हैं। अच्छा, एक बात तुम्हें पता है, ये पता होना चाहिए कि अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो कम टाइम लगेगा। कब, जब आपका स्पीड यूनिफॉर्म हो, ये स्पीड फिक्स होना चाहिए, एक ही स्पीड से जा रहा है, स्पीड नहीं बदल रहा है। ज़्यादा दूरी तय करने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, कम दूरी तय करने के लिए कम समय लगेगा। अगर ये 6 सेकंड है और अगर मान लो कि इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 6 सेकंड लग रहा है, मान लिया आपने कि अगर इसका ये 3 गुना डिस्टेंस होगा तो बेटा 3 गुनी टाइम लगेंगे, 18 सेकंड लग जाएंगे। तो फाइनली आपको ये देखना है कि आखिर इसका ये कितना टाइम्स है, इसका मतलब ये हो गया डीसी और सीए का मेरे को रेशियो चाहिए, आपको वाई और एक्स का रेशियो चाहिए। आपका जो रेशियो होता है ना डिस्टेंस का, वही रेशियो टाइम का भी होता है। तो हम फाइनली वाई और एक्स के रेशियो को निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे और वो निकलेगा कैसे, तो हम देखते हैं। पहले तो लैंग्वेज लिख लेते हैं, यहाँ पे ए बी को हमने मान लिया क्लिफ, चलो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बड़ा आसान सा लैंग्वेज लिखना होता है, ये सभी बच्चे लिख लेते हैं, लेट ए बी बी द क्लिफ, ठीक है, बी द क्लिफ, क्लिफ, ठीक है, और इस क्लिफ पे बी इज द पोजीशन ऑफ मैन, एंड बी इज द पोजीशन ऑफ मैन, बी इज द पोजीशन ऑफ मैन, बेटा उस क्लिफ पर मैन है तो मैन का ही पोजीशन होगा ना।
तो बी पोजीशन है मैन का। अच्छा ये सी और डी जो है ना वो पोजीशन ऑफ बोट है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे लेट बी एंड सी, लेट लिख लिए तो नहीं भी लिखो चलेगा, लिख लो लेट बी एंड सी, नहीं बी नहीं है सी और डी है, यहां पे लिखेंगे लेट सी एंड डी आर पोजीशन ऑफ बोट, ये अलग अलग उसकी पोजीशन है। अब यहां पे कुछ कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, देन आपको यहां पे लिख लेना है क्या लिखना है, तो एंगल ए सी बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो वो 60 डिग्री है, यहां लिख लेंगे 60 डिग्री। और एंगल ए डी बी की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। और आगे क्या है, आगे आपने यहां पे सी डी में जो है ना वो टाइम कितने लगे हैं, तो 6 सेकंड लगे हैं, तो आप यहां पे लेट कर लो कि लेट सी डी इज इक्वल्स टू वाई एंड ए सी इज इक्वल्स टू एक्स। और आपने नहीं यहां पे कॉमन दे दो क्योंकि आपको एक एच वाली भी लिखनी है, एंड यहां पे लगा लो। अब क्या करो कि ए बी इज इक्वल्स टू एच लिख लो, ठीक है, इतना तो आप लोगों ने लिख लिया। एंड टाइम टेकन टू कवर डी सी इज इक्वल्स टू 6 सेकंड, टाइम टेकन टू कवर डी सी इज इक्वल्स टू 6 सेकंड। बेटा आपने ये सारे गिवन चीजों को लिख कर करके बैठ चुके हैं, अब आपका काम क्या है, सॉल्यूशन करना। तो चलो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने आपको बस एक ही चीज बताया कि जहां दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। सबसे पहले हम छोटे राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेते हैं, वो कौन सा है, तो एबीसी है, तो फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, और वो भी राइट ट्रायंगल दिखा देना बेटा, फ्रॉम राइट ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी में, अच्छा देखो मैंने यहां पे 90 डिग्री नहीं लिखा ए के बारे में, बट यहां राइट तो लिख दिया ना, तो यहां पे बात बन जाएगी। वैसे आप लिखना है तो लिख दो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम चलेंगे एबीसी में, देखो ये क्या है ना, आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया, तो पी बाई बी टेन लगेगा, तो यहाँ पे टेन 60 लगा लो, तो आप यहाँ पे टेन 60 डिग्री लगाओगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है तो बेटा ए बी है, और बेस क्या है तो बेस ए सी है। अब वैल्यू रखो, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो बेटा रूट 3 हो जाएगा, और ए बी की जगह क्या रखने वाले हो, तो ए बी की जगह एच दिया हुआ है तो वहां पे H रखोगे, और AC की जगह क्या है बेटा X माना है तो X रख लो। अब यहां पे क्या करो ना कि X की वैल्यू निकाल लो, तो X की वैल्यू आपको क्या निकल करके आएगा, H बाई रूट 3 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब ये H बाई रूट 3 जो है ना, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, जिसमें X भी नहीं पता है और H भी नहीं पता है, ठीक है। ये तो हमें पहले वाले छोटे वाले ट्रायंगल से ये रिलेशन निकल करके आ गया, इक्वेशन बन करके आ गया। अब हम क्या करेंगे कि बड़े वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे, तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABD को जब आप पकड़ करके आगे बढ़ेंगे, तो इसमें बस वही करो 10-30 लगा दो, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो P बाई बी लगाओगे तो यहाँ पे आपको 10-30 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप 10-30 क्या कर दिए, P बाई बी, परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, और यहाँ पे बेस क्या हो गया AD। अब यहाँ पे AD के जगह तुम X प्लस वाई लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप X प्लस वाई लिख लो और आगे बढ़ो। 10 √10 30 की जगह 1/√3 लिखोगे, और AB की जगह आप क्या लिखने वाले हो, H लिखने वाले हो, और डिवाइड में क्या करने वाले हो, X प्लस वाई। आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा, X प्लस वाई की जो वैल्यू है वो √3H आ जाएगी। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। आपने बड़े वाले ट्रायंगल को यूज करके ये इक्वेशन निकाला, छोटे वाले ट्रायंगल को यूज कर करके आपने ये इक्वेशन निकाला। अब इस दोनों इक्वेशन में देखो, यहाँ एक्स वाई एच, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे क्या है 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक वेरिएबल को कैंसिल करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, तो सुनो, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो। आप क्या करो कि ऑन सब्सट्रैक्टिंग सेकेंड, यहाँ पे लिखोगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड, नहीं पहले वाले को, ऑन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। आप क्या करो कि सेकेंड में से पहले को घटाओ, तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई में से एक्स को घटा दोगे, एक्स प्लस वाई में से क्या करोगे, एक्स को घटाओगे। ये तो एल एच एस की बात हो गई, आर एच एस में क्या करोगे कि रूट थ्री एच में से यहाँ पे एच बाई रूट थ्री को घटाओगे, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो केवल और केवल क्या बचा, y बचा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3h,
और माइनस में क्या होगा, यहाँ पे वन है तो एच वन और वन एच हो जाएगा, और डिवाइड में क्या होगा, रूट थ्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान दोगे कि वाई की जो वैल्यू यहाँ से निकल करके आई बेटा, वो क्या निकल करके आ गई, तो थ्री एच में से एच आप घटाओगे तो टू एच निकलेगा, यानी कि टू एच और डिवाइडेड बाई रूट थ्री, ये आपको वैल्यू निकल करके आ रहा है। किसकी वैल्यू निकल करके आई, तो वाई की वैल्यू निकल करके आ गई। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकल करके आई है, इस वाले इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं ये इक्वेशन आपका हो गया बेटा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब पहला और तीसरा इक्वेशन से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि x और y का रेशियो निकल जाएगा। फाइनली मुझे क्या चाहिए था, x और y की रेशियो चाहिए था। हम देखेंगे कि आखिर y से x कितने टाइम्स हैं, क्या रेशियो है, उसी रेशियो में आपका टाइम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, पहला और तीसरा इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना, पहला और तीसरा यहाँ पे बेटा दिखाई दे रहा ना, ये तीसरा इक्वेशन है, वन टू थ्री, ये तीसरा इक्वेशन। पहला और तीसरा से अगर हम रेशियो निकालें तो यहाँ पे एक्स रेशियो वाई निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक्स रेशियो वाई निकाल लेते हैं, तो एक्स रेशियो वाई आपको क्या आ जाएगा, एक्स की जगह क्या है, तो एच बाई रूट थ्री है, ठीक है, एच बाई रूट थ्री, और रेशियो क्या आ जाएगा, इसके जगह क्या है, टू एच बाई रूट थ्री, यहाँ पे आ गया 2h बाई रूट थ्री। देखो आपको रेशियो में नीचे से नीचे कैंसिल कर सकते हो, एस से एच कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पर क्या निकल करके आ गया, तो निकल के आ गया बेटा यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ पे आपको क्या बच गया 2, तो 1:2 का, यानी x और y का जो रेशियो है ना वो 1:2 का है, यानी x से 1 से दुगुना, देखो x से दुगुना y है, x से दुगुना y है, यानी ये दुगुना समय ले रहा है। तो आप देखो इसमें 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है 3 सेकेंड्स लगेंगे, तो अब आप क्या करो ना उसको बना लो। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एसी को ट्रैवल करने में हमें टाइम टी लग रहा है, लेट टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर कवर एसी बी टी, कितने टाइम लग रहे हैं बेटा, तो टी टाइम लग रहे हैं। और तुम्हें पता है रेशियो ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस, या रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ टाइम। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे कि रेशियो ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा, कब, जब यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा हो तब। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो ऑफ टाइम निकालेंगे, तो टाइम आपको यहाँ एक्स और वाई का रेशियो है ना, तो एक्स में आपने क्या मान लिया बेटा कि यहाँ पे इसको जाने में टी टाइम लग रहा है, देखो ना यहाँ पे हमने मान लिया है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है बेटा, टी टाइम लग रहा है। तो अब आप क्या करोगे, एक्स के जगह पे टी लिखोगे, और वाई में कितने टाइम लग रहे हैं, तो वाई में 6 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे 6 लिखोगे, और इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेशियो क्या है, तो 1:2 आया, इट मीन्स के 1:2 हो गया, वो 2 से ये कैंसिल करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और फाइनली जो यहाँ पे टाइम निकल करके आ जाएगा वो क्या होगा, 3 1 3, यानी कि 3 सेकंड का उसको समय लिख रहा है। तब अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिख देंगे हेंस, उसको टाइम कितना कितना लग रहा है वो सारी चीज़ें आप लिख देंगे, हेंस टाइम टेकन टू कवर। अब देखो, अब टाइम पूरे के पूरे शोर तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, तो 6 सेकंड यहाँ लगा और यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड लगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 6 सेकंड और प्लस 3 सेकंड, यानी आपका टोटल और टोटल 9 सेकंड का जो समय है वो पूरे के पूरे शोर तक पहुंचने के लिए लग रहा है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से थे, अगर आपने इसको समझ लिया है तो वेल एंड गुड, और नहीं समझा है तो थोड़ा सा बैक करो और फिर से उसको एक बार देखो, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत जितना हो सकता था मैंने अपने तरफ से पूरे के पूरे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आप लगभग लगभग हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी सारी चीज़ें थी वो सारा का सारा चीज़ अब तुम जान चुके हो, अब तुमको नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे ना तो उसको बड़े आसानी से तुम कर लोगे। अब मैं तुम्हारा एक और लेक्चर लेने वाला हूँ और उसमें इस हाइट एंड डिस्टेंस के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, और उसके बाद आपको हेल्प बुक से, एनसीईआरटी बुक से, और जो भी आपको जहाँ से भी मन है वहाँ से आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अब आपके एग्ज़ाम को
बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप क्या करो कि जल्दी से जितनी जल्दी हो सके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक को ले लो और सैंपल पेपर्स जो आपके मार्केट में आ चुके हैं उसको ले लो। अभी तो आप क्वेश्चन बैंक को करो, आप हाइट एंड डिस्टेंस को खोलो, देखो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या हमने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड वहां क्वेश्चन है, जरूर होगा। पहले तुम जाकर करके उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक तुम उस वाले चैप्टर में परफेक्ट नहीं बनोगे। अरे मैं कह दिया नहीं बनोगे, क्योंकि आपको बिना प्रैक्टिस की कोई चीज़ें समझ में आएंगी ही नहीं, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है, कॉन्सेप्ट तो यहाँ से मिला हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि कल जो हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा देंगे उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, फिर हम क्लास टेंथ का कोई दूसरा सा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखो हमसे आप क्या उम्मीद रखते हो कि हमें गाइडलाइन दी जाए, ठीक है, हम आपको चीज़ों को बता देंगे, बाकी दौड़ना आपको है, चीज़ों को करना आपको है। तो इतनी सफिशियंट थी, इतनी आपके लिए कहीं से भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अब नेक्स्ट वाले चैप्टर को देखते हैं वो कौन सा शुरू करना है, वो मैं आपको शुरू करूंगा, खुद पता चल जाएगा। अब रही बात कि अगर आपको मेरा पढ़ाना सच में अच्छा लगता है, ठीक है, दिल से, तो आप क्या करें, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि वो भी आपके साथ पढ़ करके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करें, ठीक है। और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जो भी वीडियोस आ रही हैं उन सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलो। अब देखो उछल कूद नहीं करना कि कभी यहाँ है और कभी यहाँ चले गए, क्योंकि ऐसे करने से ना है आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगे और बीच में स्किप कर करके आगे भाग गए पीछे चले आए तो वैसे भी समझ में नहीं आएगी। एक तरीका, ट्रस्ट करो, ठीक है, किसी एक मास्टर पे, चाहे वो हम पे करो या किसी और पे करो, कोई मैटर नहीं करता, किसी एक टीचर पे ट्रस्ट करो जिसकी बातें तुम्हें समझ में आती है, और क्या करो ना उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ो, और ऐसा करो कि उनके सारे कॉन्सेप्ट को ले लो और फिर आप क्वेश्चंस को बनाओ, फिर आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए आप मेरे साथ। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो राशिद अंजुम सर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे RASHID ANJUMSIR ये हमारी यूज़र आईडी है। आप यहाँ पर जाकर करके फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा, हर एक जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे एक एक एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन देना हुआ तो टेलीग्राम से तो खास कर करके जुड़ ही जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पे हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं बार बार। तो चलिए आज की कहानी यहीं तक, फिर हमारी और आपकी मुलाकात होती है कब, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।